टेट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर उर्फ रावण ने बड़ा बयान जारी किया है। रावण के मुताबिक टेट का पेपर सुबह 10:30 बजे नहीं बल्कि एक दिन पहले ही लीक हो गया था। पुलिस प्रशासन के लोगों ने छुपा रखा था। अगर रात को चर्चा हो जाती कि पेपर लीक हुआ है तो पता चल जाता कि यहाँ के मंत्री और अधिकारियों की मिलीभगत से पेपर लीक हुआ है। जो सेंटर के मालिक हैं, जहाँ सेंटर लगे हुए हैं, वहाँ सरकारी तंत्र के लोग जुड़े हुए हैं जिन्होंने पेपर लीक करवाया है, क्योंकि वो अपने चहेते लोगों को नौकरी दिलवाना चाहते हैं और एक मोटी रकम उसके एवज में लेना चाहते हैं। चंद्रशेखर उर्फ रावण ने कहा कि उनके पास इसके रिकॉर्ड हैं। मैं एक लॉयर हूँ और जिम्मेदार व्यक्ति हूँ, कोई बात ऐसे हवा में नहीं कहता हूँ। 200 किलोमीटर दूर सेंटर लगा होगा तो कितने दिन पहले शुरू की होगी तैयारी। मेरे परिवार में 10 लोग ऐसे हैं जो शिक्षा पर काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, नौकरी की तलाश में हैं। वो लोग जो काम कर रहे थे उसे 2 महीने पहले छोड़ दिया, 2 महीने तैयारी की और पेपर लीक हो गया। भीम आर्मी चंद्रशेखर रावण देर रात निजी कार्य से उन्नाव पहुंचे थे। ये बयान जिलाध्यक्ष अरविंद राजवंशी के घर पहुंचे रावण ने दिया। पदाधिकारी, कार्यकर्ता, हमारे जिलाध्यक्ष, हमारी पार्टी के तमाम नेता मेरे साथ आए। भाई आरएस पटेल जो एक बड़ा संगठन सरदार सेना के रूप में यहाँ चलाते हैं, जिन्होंने वंचित वर्ग के लोगों को जोड़ने का काम किया और स्पेशली जो बुनियादी अधिकारों की जो लड़ाई, जैसे अभी जातिवार जनगणना होनी चाहिए, बैकलॉग पूरा होना चाहिए और जो रिजर्वेशन पे कई तरह से जो है ना कुठाराघात और रिजर्वेशन लागू नहीं है, 49 शिक्षक भर्ती, कई ऐसे मामलों में वो जनहित यात्रा भी निकाल रहे हैं और लगातार सक्रिय रहते हैं, क्योंकि हम लोग सामाजिक संगठन जुड़े हुए लोग, काम करने वाले लोग, हमने ये भी तय किया कि हम मिलजुल के इस काम को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि 1 और 1 11 होते हैं। और जिस दिन भारत में नहीं या किसी एक कोने में भी ये वंचित वर्ग में दलित और पिछड़े वर्ग के लोग एकजुट हो जाएंगे, उस दिन ताकत जो है ना कई गुना बढ़ जाएगी। हमें जो बुनियादी बात है ना वो आपसे रखना चाहता हूँ, पदाधिकारी कार्यकर्ता है क्योंकि वो काम करते हैं। 71 साल हो गए लोकतंत्र को, एक अच्छे कपड़े और अच्छे मकानों के अलावा बड़ा कुछ बदलाव आपकी जिंदगी में नहीं हुआ। आज कल जो हुआ उत्तर प्रदेश में, उस पर बात किए बगैर बात शुरू नहीं होगी। पहला भर्ती थी यूपी टेट की, उसका पेपर था, 21,65,000 बच्चों ने आवेदन दिया, लगभग 18 लाख बच्चे पेपर देने के लिए आए थे। और मैं समझता हूँ कि एक युवा होने के नाते कि जब सेंटर लगा होगा 200 किलोमीटर दूर तो कितने दिन पहले की होगी तैयारी। और जैसे मेरे परिवार से 10 लोग ऐसे हैं जो एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, नौकरी की तलाश में हैं, उन लोगों ने जो काम वो प्राइवेट कर रहे हैं 2 महीने पहले छोड़ दिया कि भाई अब हमें 2 महीने लग के तैयारी करनी है क्योंकि पेपर आ गया है। तो 2-2 महीने तैयारी की और फिर वो पेपर लीक हो गया। पेपर लीक की एक सच्चाई ये भी है, कल मैं बताऊंगा मीडिया को, कि पेपर सुबह 10:30 बजे लीक नहीं हुआ, पेपर रात शाम में लीक हो गया था, लेकिन पुलिस प्रशासन के लोगों ने उसको छिपा के रखा, क्योंकि अगर वो रात को चर्चा कर देते तो शायद ये हो जाता कि यहाँ पेपर जो लीक हुआ है वो सिर्फ जो पेपर लीक कराने वाला गिरा उसने नहीं, यहाँ की सरकार के मंत्री और अधिकारियों की मिलीभगत से लीक हुआ है, ऐसे लीक नहीं हुआ है। वो जो सेंटर के जो मालिक हैं, जहाँ जिन जहाँ सेंटर लगे हुए हैं, वो सरकारी तंत्र के लोग जुड़े हुए, उन्होंने पेपर लीक कराया क्योंकि वो अपने चहेते लोगों को नौकरी दिलाना चाहते और एक मोटी रकम भी उसके एवज में लेना चाहते हैं। मेरे पे उसके रिकॉर्ड्स हैं, मैं कोई बात एक लॉयर भी हूँ और एक जिम्मेदार व्यक्ति भी हूँ, तो ऐसे हवा में नहीं कहता हूँ। फिर वो बच्चे जाएंगे कैसे, पेपर तो लीक हो गया, अब पेपर कैंसिल हो गया, मुख्यमंत्री ने कहा 1 महीने बाद होगा, वो बच्चे अपने घर कैसे जाएंगे, फिर अगली बार आएंगे कैसे, इस 1 महीने में वो करेंगे क्या, क्या वो 1 महीने और वो काम छोड़।